जी हाँ छात्रों, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 11 में आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी में किस किस टाइप के सवाल आते हैं, एक्चुअल में समांतर श्रेणी होती क्या है, इसको पहचाना कैसे जाता है और कैसे कैसे इस पे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। देखिए समांतर, जैसा कि इसका नाम ही समांतर है, तो देखिए समांतर से आप पकड़ सकते हो कि जो दो पद है उनका अंतर जो है वो कैसा मिलेगा आपको, समान मिलेगा। कैसा मिलेगा, समान मिलेगा। जब दो पदों का अंतर समान मिले और वो समान अंतर ही आगे चलता रहे तो उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रश्न से आप पहचान सकते हो कि भाई जैसे हमें मिला 2, 8, 14, 20 और इसका 16 पद पूछ रहा है, तो देखिए 2 और 8 का अंतर 6 हो गया, 8 और 14 का अंतर 6 हो गया, 14 और 20 का अंतर भी कितना हो गया, 6। ठीक है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। ऐसे ही अगर हम पदों को आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार जो 16वें नंबर पे हमारा पद आएगा उसको ये पूछ रहा है कि वो पद क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कई तरह के अलग अलग सवाल बनते हैं, सभी तरह के सवाल मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। इन सवालों को आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, फिर इनके जैसे सवाल आप बुक में आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई भी सवाल आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं कि समांतर श्रेणी में जो फॉर्मूला वगैरह है वो लगता कैसे है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी पद आपसे पूछे, यानी कि हम कह सकते हैं एनवा पद निकालने का जो फॉर्मूला है वो है a+n-1 × d। ठीक है ना, a+n-1 × d। यहाँ पे a जो है वो क्या है, a होता है हमेशा प्रथम पद, a क्या होता है भाई, प्रथम पद। n जो है जो पद वो हमसे निकलवाना चाह रहा है, जैसे n का मतलब है जैसे 16 पद ज्ञात करो, तो n का मान आप यहाँ 16 रख दीजिए। भाई जैसे 2500 पद पूछे, 16 पद पूछे, 2200 पद पूछे, 5000 पद पूछे, तो n का मतलब वो पद जो निकाला जा रहा है उसका मान आपको यहाँ रखना है। ठीक है, d का मतलब अपना होता है सार्व अंतर, यानी कि दो पदों के बीच में कितना अंतर है वो है अपना d। क्या है वो, d है। ठीक है, तो दोबारा देखो, समांतर श्रेणी में अगर आपसे कोई सा भी पद पूछे, कोई सा भी पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, वो पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है a+n-1 × d। a का मतलब प्रथम पद है, n का मतलब जो पद उसने जैसे 16 पूछ रहा है, तो n का मान 16 लग जाएगा यहाँ पे। जैसे सवाल की बात करें तो n का मान 16 लग जाएगा। अब आप समझ तो गए कि n का मान क्या आएगा। ठीक है, तो a+n-1 × d, d का मतलब है अपना सार्व अंतर। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारा जो भी पद वो पूछता है वो इजीली आ जाएगा। अब देखिए हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले को मैं हटा देता हूँ और इस फॉर्मूले को पहले सवाल पे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल हमको दे रखा है कि भाई 2, 8, 14, 20 का 16 पद ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई, a+n-1 × d, n वा पद निकालने का यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए a का मान हमको कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है ना भाई, a का मान 2 है, साफ साफ दिख रहा है। प्लस n का मान जो पद वो निकलवा रहे, 16 पद निकलवा रहा है, तो 16-1 भी आप लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली इसको 15 लिख सकते हो। ठीक है, जैसा आपका मन हो। और d का मतलब क्या है, सार्व अंतर, यानी कि 2 में 60 गए तो यहाँ कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, 2+ इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 16 में 1 = 15, यानी कि हम 15 × 6 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगा, 15 × 6 = 90, 90 और 2 इस सवाल का उत्तर कितना आ गया भाई, 92 आ गया, 92। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा, 92। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 2, 8, 14, 20 इस प्रकार 6-6 नंबर बढ़ाते जाते हो तो इसका 16 पद जो आएगा वो कौन सा आएगा, 92 आएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, देखिए दूसरा सवाल बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो आंसर नंबर सेकेंड हम निकालते हैं a+। अब देखिए मैंने कहा था कि a+n-1, n का मान कितना है, 25 इंटू डी, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, a+n का मतलब 25 में से 1 गया तो 24 और यहाँ लिख दिया d। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, है ना, a+n-1, n का मतलब 25, 25 में से 1 गया तो 24 और d अपना सार्व अंतर है। ठीक है, a का मान कितना दे रखा है भाई, 3 दे रखा है, प्लस 24 इंटू, अब देखिए अंतर कितना है, 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया है ना, 24 × 2 = 48 और 48 और 3 हमारे कितने हो गए भाई, 48 और 3 बताओ कितने हो गए, आपको सब पता है कितने हो गए, 51। तो इस सवाल का आंसर अपना कितना आएगा, 51 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सवाल हम करते हैं, देखिए तीसरा सवाल और चौथा सवाल दोनों एक जैसे हैं लेकिन पहले और दूसरे से अलग है। देखिए कैसे अलग है,
जैसे एनवा पद निकालने का हमने सूत्र पढ़ा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, भाई यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना भाई, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन देखें आप, 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है, यानी कि ये आपसे कह रहा है कि कौन सा पद, इसका मतलब एनवा पद तो हमको दे रखा है, कौन सा पद पूछ नहीं रहा, कौन सा पद दे रखा है, तो यानी कि एन का मान हमको कितना दे रखा है, इसने माइनस 81, ठीक है। देखिए जो बात दे रखी है वो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे पद पूछ रहा था और यहाँ पे वो पद दे रखा है, तो माइनस 81 और ए का मान देखिए हम निकाल सकते हैं, ए का मान हमारा कितना है 21, ठीक है 21 है। एन का मान हमको निकालना है तो एन को ऐसे कैसे लिख दीजिए आप, और D का मतलब है दूसरे में से पहली संख्या घटानी है, तो देखिए 18 में से अगर 21 गए तो कितना बचा, माइनस का 3, कितना बचा भाई माइनस का 3, तो आप यहाँ क्या रख दीजिए, माइनस का 3 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण हमारी बन गई माइनस 81 बराबर 21 प्लस एन माइनस 1 और माइनस का 3, इसको हम आगे सोल्व करते हैं इजीली, माइनस 81 21, अब देखिए माइनस का 3 एन हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस का 81 और 21 और 3 24, तो ये इधर आके माइनस का 24 और सामने माइनस का 3 है, 21 और 24 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 105, ठीक है आएगा, और सामने माइनस का 3 है, तो n बराबर आपका आ गया 105 में कितने का भाग लगेगा, 3 का, तो 3 का भाग लगा दीजिए, 3 3 9, 3 5 15, तो n का मान अपना कितना आएगा 35, यानी कि हम कह सकते हैं कि 21, 18, 15 इस प्रकार आप चलोगे तो संख्या जब आपकी माइनस में चली जाएगी तो ये जो माइनस 81 है ना, ये आपका पद कौन से नंबर का बनेगा, 3500 बनेगा, कौन सा बनेगा, 3500 बनेगा, ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यू आप मेरे चैनल को देखते रहिए और ये वीडियो आपको पूरी देखनी है तभी आपके सवाल समझ में आएंगे, ठीक है। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 5, 11, 17, 23, ठीक है। देखिए मैंने कहा था कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, तो इसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमसे कह रहा है एन वा पद निकालने का है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या वैल्यू दे रखी है, इसने कह रखा है कि कौन सा पद 301 है, इसका मतलब एन वा पद हमको दे रखा है 301, ठीक है, दे रखा है ना हमको, है ना, और ए का मान हमारा कितना आ गया भाई 5, दे रखा है इसमें 5, ठीक। कौन सा सवाल सोल्व कर रहे हैं, चौथा सवाल सोल्व कर रहे हैं, ये 3 सवाल हमारे सोल्व हो गए हैं, चौथा सवाल सोल्व कर रहे हैं, प्लस एन का मान हमको निकालना है और डी अंतर 11 में से 5 के, तो कितने बचे भाई 6 बचे, ठीक है। देखिए आप इजीली 301 बराबर 5 और ये कितना हो गया प्लस 6 एन माइनस 6, ऐसे बनेगा भाई। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, 301 बराबर ये कितना हो गया, अपन इसको यही सॉल्व कर देते हैं, 5 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 यानी 6 एन माइनस 1, ठीक है, तो माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 302 बराबर 6 एन और एन बराबर 302/6। तो देखिए एन का मान 302/6 का मतलब है क्या 302 6 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब हमारा कोई सा भी पद इसका 301 नहीं है, क्योंकि जो 6 है इसका भाग 302 में पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका कोई सा भी पद 301 नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 का भाग इसमें पूरा चला जाता तो डिफरेंस के हिसाब से हमारा पद आ जाता, पर 301 जो है इसका कोई सा पद नहीं है, क्योंकि इसमें जो 302 हमारा है इसमें 6 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यू आप देखते रहिए वीडियो में, हर यूनिट की वीडियो आपके पास लेके आ रहा हूँ, नंबर सिस्टम का ये पार्ट नंबर जो है वो 11 है। देखिए मैं कोई भी सवाल आपका नहीं छोड़ूंगा, जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं सभी सवालों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो हमने कितने सवाल कर लिए भाई, 4 सवाल हमने कर लिए, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 और सातवां पद क्या है 9 है, तो बताओ उस श्रेणी का 24वां पद क्या होगा। अब देखिए भाई ये सवाल तो अलग है और ये पांचों सवाल इन चारों सवालों से बिल्कुल ही अलग है। ये कह रहा है कि किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 दे रखा है और सातवां पद हमको कितना दे रखा है 9, यानी कि दो पद हमको दे रखे हैं, तो कह रहा है बताओ उस श्रेणी का आगे जो 24वां पद आएगा ना वो क्या आएगा।
अब देखिए पांचों सवाल करने का मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ, बिल्कुल ही सिंपल, 3 से 4 सेकंड में आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, ऐसे एक ब्लॉक बनाना है, ठीक है। अब कह रहा है वो कि किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 है, तो देखिए आप ये लिख लीजिए जो पद दे रखा है, तीसरा पद कितना दे रखा है 5, ठीक है। आगे कह रहा है कि सातों पद कितना है 9, तो सातों पद आप कितना लिख लीजिए 9, ठीक है। दोबारा देखिए क्या क्या हमने एक ब्लॉक बनाया, उसमें जो पद दे रखा है तीसरा 5 और सातों 9 हमने लिख लिया है जी, भाई तीसरा पद 5 और सातों पद कितना है 9। अब देखिए यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आएगा 4, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आएगा 4। ये जो दो मान आपके आए यहाँ से अपना अंतर आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा अंतर आएगा, तो 4 में 4 का भाग दोगे तो डी का मान हमारा कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब सार अंतर हमारा यहीं से निकाल सकता है कि इस संख्या में इस संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा, सार अंतर 1 आएगा। अब देखिए अब हम इस सवाल को सोल्व करते हैं आगे, हमको इसे देख रखा है कि किसी श्रेणी का तीसरा पद कितना है 5 है, तो हम कह सकते हैं ए तीसरा पद 5 है ना, तो 3 में से 1 गया तो क्या करेंगे 2, तो ए प्लस 2D बराबर हमको कितना दे रखा है 5 दे रखा है ना भाई, यहाँ से हम इजीली ए का मान निकाल देंगे ना भाई ए का मान, ठीक है। अब कह रहा है कि ए प्लस 2D बराबर 5 है, तो ए प्लस 2D हमारा कितना है 1 और सामने 5, तो यहाँ से करेंगे तो ए बराबर अपना कितना मान आ गया 3, ए बराबर अपना कितना मान आ गया भाई 3 मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, देखिए हमारे पास डी का मान आ गया और हमारे पास ए का मान आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है उस श्रेणी का 2400 पद, ठीक है, तो 2400 पद हम निकाल देंगे और एनो पद निकालने का है ए प्लस 24 माइनस 1, हम क्या लिख सकते हैं इसको 23D भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये 2400 पद निकलवा रहे हैं ना, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है और ए प्लस एन का मतलब 24 में से गया तो 23D, ठीक है। ए का मान अपना कितना है 3 प्लस 23 और डी अपना अंतर कितना है भाई 1, ठीक है इजीली, तो 23 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 26, तो पांचवें सवाल का अपना आंसर क्या आएगा 26। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी श्रेणी का यदि तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है तो उसका जो 2400 पद आएगा ना भाई वो कितना आएगा 26 आएगा, ठीक है आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं हम छठा सवाल जो है और जो पांचवा सवाल है, ये दोनों सवाल एक जैसे ही है, ठीक है, इनको आप देखिए दोनों एक जैसे हम सॉल्व कर देंगे। अब हम करेंगे छठा सवाल, देखिए किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 व नवा पद कितना है -8। अब देखिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, ब्लॉक बनाने का तरीका बताया था, है ना भाई, ब्लॉक बनाने का ही बताया था ना। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है 4, तो आप लिख लीजिए तीसरा पद हमको कितना दे रखा है 4, ठीक है इजीली। फिर कह रहा है उसका नवा पद कितना है -8, तो जो संख्या दे रखी है वही लिखनी है आपको, ठीक है -8, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, ऐसे आप ब्लॉक में लिखने के बाद इनका डिफरेंस निकालेंगे, 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ पे देखिए ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो -8 में से -4 गया तो कितना बचा -12 बचा ना भाई, -8 में से -4 घटाओगे तो -12। अब डी सार अंतर आपका आएगा -12 में अगर 6 का भाग दोगे तो सार अंतर आपका कितना आ जाएगा भाई -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम D का मान रख देते हैं तो हमारे A का मान आ जाएगा, यानी प्रथम पद का मान आ जाएगा। ये कह रहा है कि श्रेणी में तीसरा पद हमको कितना दे रखा है 4, तो देखिए तीसरा पद 4 दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 का मतलब 2D, है ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं ना इसको A प्लस 2D अपन को कितना दे रखा है भाई 4 दे रखा है। ये देखिए किसी समांतर श्रेणी में तीसरा पद कितना है 4, तो तीसरा पद है तो a प्लस एन माइनस 1 एन 3 माइनस 1 2 a प्लस 2d बराबर कितना 4, ये बढ़ेगी भाई सूत्र के हिसाब से, ये समीकरण बढ़ेगी। a का मान हमको निकालना है तो a प्लस 2 इंटू अंतर अपना कितना है भाई -2 और सामने अपने कितना रख दिया 4, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो गया -4 और सामने 4, तो a बराबर हमारा मान कितना आ गया 8, a बराबर हमारा मान कितना आ गया 8, ठीक है इजीली यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप a बराबर हमारा 8 आ गया, अब ये कह रहा है आते तो बताओ किस संख्या के समांतर से तीसरा पद 4 और नवा पद -8 है, तो बताओ इसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो हम देखिए इसका फॉर्म लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर सामने कौन सा पद पूछ रहा है, ये शून्य पद पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए a का मान हमारा कितना है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा अंतर कितना है -2 और सामने हमने कितना रख दिया भाई 0 रख दिया, कितना रख दिया 0 रख दिया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8
और 2n से होगा तो माइनस का 2n, और देखिए आगे ये जब होएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 2 और सामने आ गया 0। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए माइनस का 2n बराबर कितना हो गया, माइनस का 10, और n बराबर हमारा कितना उत्तर आएगा इस सवाल का, 5। n बराबर हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 5। यानी कि छठे सवाल का हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब करते हैं सातवां सवाल, लास्ट सवाल। ठीक है, तो देखिए सातवां सवाल हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये छठा सवाल था हमारा, अब हम करेंगे सातवां सवाल। ठीक है, सातवें सवाल में ये क्या कह रहा है हम देखते हैं, देखो ध्यान से कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ज्ञात करो जिसमें तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है। ठीक है, ये हमसे कह रहा है, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए आपको मैंने बताया था इस तरह के सवालों में एक ब्लॉक बना लीजिए, ब्लॉक बनाने के बाद ये कह रहा है हमको डिफरेंस पकड़ना है, कह रहा है पांचवें पद से 12 ज्यादा है, यानी कौन सा पद, सातवां पद। ठीक है, तो पांचवा और ये सातवां पद। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस आप कितना ले लीजिए, 2, और इन दो सातवां पद पांचवें पद से कितना ज्यादा है भाई, 12 ज्यादा है, तो डिफरेंस तो आपको दे ही रखा है, तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट दे ही रखा है 12 ज्यादा है, तो d बराबर अगर हम निकालेंगे, डिफरेंस हम निकालेंगे तो 12/2 कितना आएगा भाई, 6 आएगा, d का मान 6 आएगा नहीं आएगा। अब ये कह रहा है कि उस श्रेणी का पहला पद ज्ञात करो जिसमें तीसरा पद 16 है, अब तीसरा पद हमको कितना दे रखा है, 16, तीसरा पद का मतलब a प्लस 3 माइनस 1 2d, और कितना दे रखा है हमको 16, d का मान हमारा आई गया है तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर हमने किया 16, a प्लस 12 बराबर 16, a का मान हमारा कितना आ गया भाई, 4 आ गया, यानी कि जो पहला पद हमारा होगा उसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए यहाँ पे पहले पद का मान पूछा है इसलिए हमने a का मान निकाला है। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा, आप कंटिन्यू मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।